चैप्टर सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. मोगली डोंट टू द जंगल एज ही कुडंट लीव हिज फ्रेंड्स. मोगली जंगल पे वापस आ गया था क्योंकि वो अपने दोस्त को नहीं छोड़ पा रहा था. मोगली वेंट टू द विलेज टू बी अमिडस्ट दोज मिस्टीरियस थिंग्स कॉल्ड अमिडस्ट, मतलब बिटवीन, उनके बीच में रहने के लिए. मोगली वेंट टू द विलेज टू स्टील वेपन्स टू किल शेर खान. या फिर मोगली जो विलेज इसलिए गया था क्योंकि वहाँ से कुछ वेपन्स चुरा के लिया ताकि वो शेर खान को मार सके, या फिर नन ऑफ द अबव. तो इसका आंसर है बी. मोगली वेंट टू द विलेज टू बी amidst those mysterious things called men. मोगली जंगल विलेज इसलिए गया था, सॉरी विलेज इसलिए गया था जाकि वो जो mysterious things ही कहते हैं men, उनके बीच में रहने के लिए. मैच वन ऑफ हाफ ऑफ द कोर्ट विद अनदर. सो men आर अफ्रेड ऑफ दी, तो इसका होगा पीपल ऑफ द जंगल हेयर ऑल्सो. तो वो कह रहे हैं कि जो आदमी हैं वो भी यहाँ पर जंगल के लोगों से डरते हैं. He has eyes like red fire. By my honor, Mesua, he is not unlike your boy that was taken by the tiger. वो कहता है इसकी आँखें बिल्कुल रेड फायर जैसे हैं और मेरे हिसाब से मेसुआ वो तुम्हारे बच्चे के जैसा ही है जो कि लेकर चला गया था, जो टाइगर उसके द्वारा वो लेकर ले गए थे उसे. Well, if I am a man, I must become. I will learn language and rules of the villagers. It is very hard for me, but not impossible. वो कहते हैं कि अब अगर मैं एक आदमी हूँ तो मुझे एक आदमी बनना ही पड़ेगा. मुझे इनकी सारी लैंग्वेज, जो भी ये बोली बोलते हैं और जो भी रूल्स वगैरह हैं विलेजर्स के सारे, मुझे पता है मेरे लिए बहुत ही हार्ड है लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है कि मैं ये कर ही नहीं सकता, मैं ये कर सकता हूँ. हु सेड द फॉलोइंग एंड वाई. वॉट इज़ देयर टू बी अफ्रेड ऑफ. लुक एट द मार्क्स इन हिज आर्म्स एंड लेग्स, देयर बाइट्स ऑफ वुल्व्स. ही इज़ बट अ वुल्फ रन फ्रॉम द जंगल. जो प्रीस्ट था विलेज का उसने बोला था ये, उसने बोले थे वर्ड्स बिकॉज दे थॉट ही वॉज अ बॉय हु वॉज कैप्चर्ड बाय द वुल्व्स. क्योंकि उन्हें लगा था कि एक ऐसा लड़का था जो कैप्चर हो गया था, जो पकड़ा गया था वुल्व्स के द्वारा. एंड वॉज टेकन अवे बाय देम, और वो उसे उठा के ले गए थे. ही मैनेज टू एस्केप फ्रॉम द जंगल एंड केम टू दिस विलेज. तो उसने मैनेज कर लिया, कोई रास्ता निकाल लिया वहाँ से निकलने के लिए जंगल से, और वो इस विलेज में आ गया. What is the good of a man, he said to himself at last, if he does not understand man's talk. Now I am silly and dumb as a man would be in the jungle. I must speak their talk, I must learn how they live, I will learn their customs and rules. Mowgli said these words because this life was very different from the jungle. ये जो words हैं वो Mowgli ने बोले थे क्योंकि उसकी life जो jungle में वो जैसे रहता था उससे बहुत ज़्यादा अलग थी. He didn't know how to speak and talk with these men. उसे नहीं पता था कि यहाँ पर कैसे बात करनी है लोगों से. He was very uncomfortable with the people here. वो बिल्कुल uncomfortable था, मतलब उसे बिल्कुल fit नहीं हो पा रहा था वो यहाँ पर. And wanted to learn everything, और वो सब कुछ जानना चाहता था और learn करना चाहता था, सारे उनके rules और उनकी language.